दिस इज एम्स टू असल दिसडमीट एंडियोर फ्यूचर्स माई नेम इज़ फातमा एंड आई एम डूइंग बैचलर्स ऑफ फिज़िक्स इन एयर यूनिवर्सिटी फिफ्थ सेमेस्टर टुडे दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर इन टुडे आई एल टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ़ एच एस एस सी पार्ट वन फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स ओके मैथ्स करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि आपने जब भी मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने जो है ना माइंड सेट अपना बनाना है कि आप ये क्वेश्चन जो है वो ईज़िली सॉल्व कर सकते हो मीन सेल्फ कॉन्फिडेंस आना है आपने अपने अंदर जब आप वो लाओगे तो आपसे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे सेकेंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस विल मेक यू अ परफेक्ट मैथमेटिशियन जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स की उतने क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे मैंने चैप्टर नंबर फाइव का एक टॉपिक लिया है पार्शियल फ्रैक्शंस का तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाई डू वी वॉन्ट दैम हम पार्शल फ्रैक्शन यूज़ क्यों करते हैं पार्शल फ्रैक्शन जो होते हैं ना फ्रैक्शन का क्या मतलब होता तो है कोई भी एक्सपेनशियल फॉर्म में दो इक्वे हमें ना फ्रैक्शन का मतलब होता है कि पी ओ फैक्स डिवाइडेड बाई क्यू ओ फैक्स मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है, है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे हाँ फ्रैक्शन फ्रेक्शन रेजोलूशन हम इसको रिजॉल्व क्यों करते हैं क्योंकि हमें जो है ना ये सिंपलर से सिंपलर आंसर्स देते जाते हैं हम इनको जितना ज़्यादा सॉल्व करें इजीली इजी मेथड है एक तो क्विक मेथड है और इजीली सोलवेबल है ये जो है वो लार्ज इंटीग्रल कैलकुलस में भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को ईजिली सॉल्व कर जाता है जो फ्रैक्शन होती हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं हम नहीं समझ पाते कि यार इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वी कैन सॉल्व दैम बाई यूजिंग पार्शल फ्रैक्शन इस वजह से इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल देन पार्शियल फ्रैक्शन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने सबसे पहले देखना कि वो फ्रैक्शन जो है वो रैशनल प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या नहीं है अब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है हम सबसे पहले ये देखेंगे ठीक है इसमें प्रॉपर में हमारे पास आ जाएगा डिग्री ऑफ टॉप इज़ लेस देन बॉटम क्या मतलब है इसका जहाँ पर हेडिंग है प्रॉपर इस पर देखें डिग्री ऑफ टॉप इज़ लेस देन डिग्री ऑफ बॉटम मींस जो नीचे एग्जांपल दी हुई है एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यू माइनस वन इसमें आप डिग्री देखें डिग्री किसकी देखनी है वेरिएबल जो गिवन होगा वेरिएबल क्या होता है एक्स वाई जी अपू सोन जो भी इक्वेशन में गिवन उसमें गिवन होगा फ्रैक्शन में अब इसकी डिग्री देखनी है डिग्री मीन्स पावर अब ऊपर देखें एक्स एक्स के ऊपर कुछ नहीं है मीन्स वन एक्स की डिग्री क्या है यहाँ पर वन नीचे क्या है थ्री एक्स की डिग्री है थ्री टॉप डिग्री इज़ लेस देन बॉटम ना टॉप की वन है थ्री नीचे ज़्यादा है टॉप की लेस है नीचे वाले की ज्यादा मीन्स इट्स अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन अब इम्प्रॉपर में देखें आप डिग्री ऑफ टॉप इज़ ग्रेटर और इक्वल ठीक है डिग्री ऑफ टॉप क्या है एक्स स्केर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन स्केयर है ऊपर नीचे वन है टॉप की डिग्री ज़्यादा होगी इट मीन्स इट्स एन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हुए सबसे पहले प्रॉपर और इम प्रॉपर देखने और अगर इक्वेशन इम प्रॉपर है तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इंटू प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन अब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं देन वी हैव टू डू लॉन्ग डिवीजन मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है थ्री प्लस एक्स स्केर ओवर थ्री एक्स प्लस वन यहाँ पे देखिए जो टॉप की डिग्री है वो ग्रेटर है इट मीनस कि ये ऊपर स्केयर है और नीचे वन है टॉप की डिग्री ज़्यादा है वट डज़ इट मीन कि ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है इसको हम प्रॉपर में कैसे लॉन्ग डिवीजन हमने सिक्स सेवन क्लास में हमने काफ़ी पढ़ा हुआ है इसमें हम ऊपर वाली जो है इक्वेशन एक्स स्क्र प्लस थ्री इसको अंदर रखेंगे नीचे थ्री एक्स प्लस वन है इसको हम बाहर रखेंगे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ ये ये हो जाएगा ये ठीक है अब हमें एक्स स्केयर प्लस थ्री को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टी थ्री सॉरी थ्री, थ्री एक्स प्लस वन को हमने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि एक्स आए ताकि जब हम लॉन्ग डिवीजन में साइन चेंज करेंगे तो एक्स स्केर और एक्स स्क्र कैंसिल हो जाए अब थ्री एक्स प्लस वन को यहाँ पे मैंने एक्स डिवाइड बाई थ्री से मल्टीप्लाई किया क्यों जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एक्स केयर डिवाइड बाई थ्री आ जाएगा थ्री और थ्री कैंसिल हो जाएगा तो एक्स केयर सिम्पली हमारे पास बच जाएगा और साथ एक्स बाय थ्री आ जाएगा यहाँ पर मैंने ऊपर एक्स बाय थ्री लिख दिया जिससे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है नीचे हमने वो इक्वेशन लिख दी जो आइए एक्स स्केर प्लस एक्स ओवर थ्री अब जो मैंने सर्कल किया हुआ है इट मीन्स कि हमने साइन चेंज किया हुआ है प्लस माइनस हमारे पास जो है वो कैंसिल हो जाएगा एक्स के और ये जो साथ माइनस एक्स डिवाइड बाई थ्री है ये नीचे हम एज इट इज़ लिख देंगे और ऊपर जो एक्स जो प्लस थ्री बचा है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे अब हमें थ्री एक्स प्लस वन को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास एक्स डिवाइड बाई थ्री आए विद नेगेटिव साइन दोनों साइन सेम होंगे लॉन्ग डिविजन के लिए जब हम साइन चेंज करेंगे तो एक्स डिवाइड बाई थ्री के साथ प्लस आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा सबसे पहले तो हमने माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ उसके बाद हमने वन ओवर नाइन किया क्यों क्योंकि जब थ्री एक्स डिवाइड बाई नाइन आएगा तो थ्री के टेबल से कैंसिल आउट होके माइनस एक्स डिवाइड बाई थ्री हमारे पास आंसर आ जाएगा एंड माइनस वन ओवर नाइन सेम मैंने माइनस वन ओवर नाइन ऊपर लिखा जिससे हमने डिवाइड किया और नीचे मैंने लिख दिया एक्स ओवर थ्री माइनस वन ओवर नाइन माइनस एक्स ओवर थ्री अब माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा तो एक्स ओवर थ्री कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे भी माइनस प्लस में चेंज होगा तो प्लस वन ओवर नाइन प्लस थ्री यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ प्लस वन ओवर नाइन प्लस थ्री तो ये ट्वेंटी एट ओवर नाइन आ गया ट्वेंटी एट डिवाइड बाई नाइन लॉन्ग डिवीजन का हमें लिखने का मैथड हमें पता है ऊपर वाला साइड पे साइड वाला नीचे नीचे वाला ऊपर आ जाएगा एक्स ओवर थ्री माइनस वन ओवर नाइन साइड पे आ जाएगा थ्री एक्स प्लस वन यहाँ नीचे आ जाएगा और ट्वेंटी एट डिवाइड बाई नाइन ऊपर आपके मर्जी ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई नाइन ऊपर ही लिख दो या नाइन को हम इस तरह नीचे इसके साथ भी लिख सकते हैं दिस इक्वेशन इज अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन ये हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन में चेंज हो गई है प्रॉपर तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शल फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन ठीक हो गया इस तरीके से हमने चेंज करना है उसको देन हमने इसकी डिकम्पोजिशन कैसे करनी है सोल्यूशन कैसे करना है हमने इसका पार्शल फ्रैक्शन का इसमें बहुत इजी है स्टेप्स वाइज आप चलते जाएं सबसे पहले ना एक, एक क्वेश्चन हमें गिवन है फाइव एक्स माइनस फोर डिवाइड बाई एक्स केयर माइनस एक्स माइनस टू इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे नीचे वाला जो इक्वेशन नीचे जो हमारे पास गिवन होगा ना फ्रैक्शन में उसको हम जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हमने करना है एक्स केयर माइनस एक्स माइनस टू का हम फैक्ट्राइजेशन के थ्रू कर सकते हैं ठीक हो गया टू और वन इसके फैक्टर्स बनेंगे टू इंटू वन टू हो जाएगा और टू और वन में से टू में से वन माइनस करेंगे तो वन आ जाएगा तो माइनस एक्स ठीक हो गया ये फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल है हमने सबने पढ़ी हुई है आप रफ पेज पे इसकी फैक्टराइजेशन करोगे इसके फैक्टर्स बनाओगे तो एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन ये दो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे देन नेक्स्ट स्टेप होगा हमने उसको ए हमने उन्हें कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है सम में रिजॉल्व करना है ओके okay? इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे ए हॉन्टेंट्स कुछ भी यूज कर सकते हैं ए वन ए टू ए बी सी जो आपका दिल करता है ठीक हो गया फर्स्ट ए वन के साथ कौन सा कॉन्सटेंट के साथ कौन सी वैल्यू आएगी फर्स्ट वाली एक्स माइनस टू देन प्लस का सिंबल ऑलवेज प्लस होना है दरमियान में कभी भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं आना देन ए टू सेकेंड कॉन्स्टेंट यहाँ पे आप बी भी, भी यूज़ कर सकते हो ए टू डिवाइडेड बाई सेकेंड एक्स प्लस वन ठीक हो गया अब कौन सा स्टेप आएगा अब थर्ड स्टेप ये होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक मेन इक्वेशन में नीचे जो भी बॉटम में होगा उसको हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है विद ईच एंड एवरी टर्म ठीक है एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन को हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे जब लेफ्ट हैंड साइड पे हम x माइनस टू एक्स प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव एक्स माइनस फोर बच जाएगा ए वन और एक्स माइनस टू के साथ हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू कैंसिल होकर एक्स प्लस वन बच जाएगा ए के साथ ए वन के साथ प्लस ए टू के साथ अलग से हमने मल्टीप्लाई करना है मेक श्योर sure ये बात हमने याद रखनी है कि अलग अलग हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है ए टू डिवाइड बाई एक्स प्लस वन के साथ जब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा एक्स माइनस टू बच जाएगा ए टू के साथ ठीक हो गया होप इट इज़ क्लियर यहाँ तक ठीक है अब नाउ व्हाट इज स्टेप फोर स्टेप फोर में ना हमें ए और बी कॉन्सटेंस की वैल्यूज निकालनी है अब वैल्यूज हम किस तरह निकालेंगे जिस तरह यहाँ पे ना एक्स प्लस वन के बने हम एक्स प्लस वन को इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे ठीक रूट फॉर एक्स प्लस वन इज एक्स माइनस वन एक्स इजकल टू माइनस वन ये जो को लिखा हुआ ना यहाँ पे ये यह कैसे आया x एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन इजल टू जीरो प्लस वन वहाँ जाएगा माइनस वन एक्स इजक्ल टू माइनस वन यहाँ पे वैल्यू आ गई अब इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है ये वाली इक्वेशन जो हमारे पास है ए इंटू एक्स मल्टीप्लीकेशन के बाद जो इक्वेशन आएगी ना उस इक्वेशन में हमने हमेशा एक्स की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम माइनस वन पुट कर देंगे ठीक है इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे जो कैंसिलेशन वगैरह होती है और उसके बाद जो है हमारे पास ए टू का ये आंसर आ जाएगा ठीक हो गया अब यहाँ पे एक्स प्लस वन पहले इक्वल टू वन पुट किया था अब एक्स माइनस टू को इक्वल टू सॉरी जीरो पुट किया था अब एक्स माइनस टू को इक्वल टू जीरो पुट करें तो एक्स इज़ इक्वल टू 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 आ जाएगा अब मैंने आपको क्या बताया मल्टीप्लिकेशन के बाद जो इक्वेशन आई है उसमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है वो ये इक्वेशन है ये वाली ये ए वन एक्स प्लस वन वाली यहाँ पे एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे टू पुट करेंगे टू के टू पुट करेंगे कैंसिलेशन करेंगे सॉल्व करेंगे तो ए वन की वैल्यू आ जाएगी अब हमारे पास दोनों कॉन्स्टेंस की वैल्यू आ गए अब हम यहाँ यहाँ पे मेन इक्वेशन में कॉन्सडेंस की वैल्यू पुट कर देंगे जहाँ पे हमें ए वन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू प्लस ए टू डिवाइड बास प्लस वन यहाँ पर हमने A और बी की वैल्यूज कर दी डेट विल बी आर आंसर सिंपल बहुत सिंपल है ये ठीक है जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको ये आएगा और मेक श्योर sure, एक बात आप लोगों तो ने याद रखनी है जिस तरह एक्स माइनस टू इज एकवल टू जीरो मैंने पुट किया ना अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि एक्स की जो डिग्री होगी ना एक्स के उतने आंसर आएंगे यहाँ पे एक्स की डिग्री क्या है वन तो एक्स ए एक की आंसर देगा विच इज़ एक्स इज वल टू तो टू जब यहाँ पे एक्स स्केयर आ जाएगा ना तो वो स्केयर का मतलब क्या है दो टू तो वो एक्स दो आंसर्स दे दे देगा उसको हम इक्वल टू तो जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें एक्स के दो आंसर्स नहीं चाहिए हमें एक ही चाहिए उस तरीके से मैंने भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है ठीक है जिसमें ये चीज़ आ रही है ओके okay? ये एक क्वेश्चन uh, है टू एक्स के माइनस थ्री एक्स प्लस फोर डिवाइड बाई एक्स माइनस वन फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव टू चेक इट्स प्रॉपर और इम प्रॉपर ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है क्यों क्योंकि इसकी डिग्री जो है नीचे वाली बड़ी है ओके okay? तो इट्स प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको कहा था आप कॉन्सटेंट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ए बी और सी अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में देखें x माइनस वन का क्यूब है ठीक है तो हम क्या क्यूब का क्या मतलब है x माइनस वन तीन दफ़ा लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे x माइनस टू और x प्लस वन अलग अलग ब्रैकेट में लिखा हुआ था ना नीचे इट मीन्स यहाँ पे x माइनस वन तीन दफ़ा अलग अलग ब्रैकेट में लिखा हुआ है नीचे ठीक हो गया तो हम तीनों को अलग अलग लिखेंगे a ओवर x माइनस वन एक दफा आ गया b ओवर x माइनस टू दो दफ़ा आ गया प्लस c ओवर x माइनस वन तीन दफ़ा आ गया जितनी डिग्रीज होंगी हम वहाँ तक जाएंगे अगर यहाँ पे x माइनस वन का स्केयर होता तो हम खाली b तक जाते हम c में नहीं जाते ठीक हो गया अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था मल्टीप्लिकेशन का स्टेप है लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे जो भी होगा वो दोनों साइड्स पे ईच टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे टू एक्स केयर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर बच जाएगा ए के साथ ए वाली टर्म के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा दो एक्स माइनस वन स्केरयर रह जाएगा बी के साथ जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दो एक माइनस वन स्केयर कैंसिल हो जाएगा एक एक्स माइनस वन बी के साथ रह जाएगा सी के साथ जब इसको एक्स माइनस वन के क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी ऊपर नीचे और खाली सी रह जाएगा इसको मैंने इक्वेशन स्टार का नाम दिया है ओके okay, अब इसको ना क्या करना है हमने सबसे पहले ए के नीचे जो एक्स माइनस वन है ना देखिए एक्स के यहाँ पे डिग्री क्या है वन मीन्स एक्स का हमें एक आंसर मिलेगा तो इसको हम जीरो को इक्वल पुट कर सकते हैं एक्स माइनस वन इक्वल टू तो जीरो माइनस वन वहाँ जाके प्लस वन हो जाएगा एक्स इज टू तो वन ठीक हो गया अब इसको किस में पुट करना है मल्टीप्लीकेशन के बाद जो वैल्यू आई है इक्वेशन आई है उसमें हमने पुट करना है वो कौन सी इक्वेशन है इक्वेशन नंबर स्टार यहाँ जहाँ जाए एक्स है वहाँ वहाँ वन पुट कर दें इससे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी सी की वैल्यू कैंसिलेशन आप आराम से कर लेंगे सोल्यूशन सिम्प्लीफेशन है सिंपल सी की वैल्यू आ जाएगी अब हमें बी उसकी ए और बी की भी वैल्यू चाहिए वो हमें कैसे मिलेगी अब देखें एक्स माइनस वन स्केयर का क्या मतलब है एक्स स्केयर माइनस वन का स्केयर ठीक है एक्स का स्केयर डिग्री एक्स क्या हो गई टू इसका मतलब है यहाँ पे हमें एक्स दो आंसर्स देगा जो कि हमें नहीं चाहिए ठीक है तो दो आंसर्स क्यों नहीं चाहिए क्योंकि या तो फिर वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व होंगे या वो प्लस माइनस से होंगे तो उस तरीके से हमारे पास आंसर नहीं आएगा इन कॉन्सटेंट्स का इसके लिए हम क्या करेंगे इसको हम जीरो के इक्वल नहीं पुट कर सकते एक, एक तो हमारे पास आ गया अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर जो स्टार है ना उसको हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन का स्केयर है ठीक है इक्वेशन नंबर स्टार में अब एक्स माइनस वन का स्केयर का हम फार्मूला खोल देंगे ये कौन सा फॉर्मूला है ए माइनस बी का स्केयर विच इज़ ए स्केयेयर माइनस टू ए बी प्लस वन स्केयर सॉरी ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्केयर ये हो गया अब ए इंट एक्स माइनस वन का स्केयर का फॉर्मूला खोलें तो यहाँ पे जो सी आ रहा है ना आंसर सी के नीचे जो इक्वेशन है वो देखें आप तो ए के साथ मैंने ये वाला फार्मूला खोल दिया आगे बी के साथ मैंने सिंपल मल्टीप्लाई बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन के साथ बी एक्स माइनस बी प्लस सी एज इट इज़ आ गया अब इसको सॉल्व किया हुआ है बस एक को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है हर टर्म के साथ देन जो तीसरी इक्वेशन लिखी हुई है वहाँ पे मैंने स्केयर्स वाली टर्म को अलग कर दिया एक्स वाली टर्म्स को अलग कर दिया और कॉन्सटेंट्स को अलग कर दिया अब इसके बाद हमने क्या करना है कंपेयरिंग कोफिशेंट्स मेथड यूज़ करना है मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर जो जो कोफिशंस सेम है उनको हमने अलग कर देना है अब देखें राइट हैंड साइड पे एक्सकेयर के साथ क्या है ए लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स केय के साथ क्या है टू तो ए इज इक्वल टू टू हमारे पास एक आंसर आ गया अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एक्स के साथ देखें क्या है माइनस टू ए प्लस बी माइनस टू ए प्लस बी हमने लिख दिया इज इक्ल टू लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स के साथ क्या है माइनस थ्री माइनस थ्री लिख दिया अब यहाँ पे देखें ए की वैल्यू हमें आ गई है ए की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी सिंपल ए वैल्यू भी आ गई बी वैल्यू भी आ गई सी वैल्यू भी आ गई इसको इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे ए बी सी की वैल्यूज वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट बस बिल्कुल ऐसे सॉल्व करना है इसको ये काफ़ी इजी है ठीक है इसको आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपसे सॉल्व हो जाएगा आई होप आप लोगों को ये लेक्चर मेरा छोटा सा समझ आया होगा इसको मैंने ज़्यादा सिंपली सोच वो जो है ना बहुत ज़्यादा एग्जिजरेट इसलिए नहीं किया क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम अक्सर ना मैथमेटिक्स करते हुए बोर भी हो जाते हैं लेकिन मैथमेटिक्स नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट बहुत फ़न है अगर आप इसको प्रैक्टिस करो ना तो बहुत मज़ा आता है मैथमेटिक्स करते हुए डेट ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर I hope you all have understood. And thanks for bearing me for almost fifteen minutes. Thank you, and Allah please.